आपने पॉमरी का लार्ज साइज पिज्जा विथ सम टॉपिंग्स ऑफ फन एंड लाफ्टर लेकर आ रहे हैं एक बार फिर से रजत सूद। एक बार फिर से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और मैं आज उस दुकान की बात करूंगा जहां पर हम सभी का कर्जा है, ब्रेकअप। आपने एक चीज देखी कि आपका जब ब्रेकअप हो जाता ना तो आप ना उसके वाले जोन में चले जाते हो कि यार ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता यार, ये कलयुग का जमाना है यार, कोई प्यार करने लायक ही नहीं। बीन देयर फेल्ड दैट डन दैट तो सक्सेसफुल वालों का होता है। वो होता है ना कि आप मान लो वैष्णो देवी की आपने पैदल यात्रा की है और आप ऊपर चढ़े हो, आप हाँफ रहे हो, पसीना आ रहा है और कोई वहां से बोलते सुनो अमरनाथ चलोगे? नहीं भाई, भक्ति अपनी जगह लेकिन हिम्मत नहीं है। पर ना उस दौर में भी आपका एक दोस्त होता है जो आपको लड़कियां दिखाता रहता कि भाई ये वाली सही लग रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन वो दिखाता रहता कि ये देख भाई ये वाली सही लग रही है। तो जैसे मेरे को ना सर उस दौर में एक लड़की ने अप्रोच किया और मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं था। पर वो लगा रहता था कहता कर ले भाई भाई ये तो कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, तू नहीं कर रहा तो मेरी करा दे। मैंने कहा कैसा दोस्त है तू? और वो ना बिल्कुल ऐसे ही समझा रहा होता है जैसे कोई बाप अपने बच्चे को यूपीएससी के लिए समझाता है कि बेटा एक अटेम्प्ट और दे दो, मत निहार नहीं बेटे, यूपीएससी नहीं तो एसएससी तो निकल ही जाएगा, आप लगे रहो। तो मैंने उस दौर में एक गजल लिखी थी, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुनाऊं। जरूर जरूर बिल्कुल। कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। होता ना कि आप हिम्मत हार जाते हो, कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। और मैं मर्जी से बना पागल, बना बेदिल, बना शायर। मुझे ऐसा लगता है कि ना हम लोग डिसाइड नहीं करते कि मैं मोहब्बत करूंगा, मोहब्बत डिसाइड करते कि अब मैं तुझे करूंगी। बर्बाद और जब हो जाता है ना आपका ब्रेकअप तो आपको लोग आ जाते हैं समझाने कि यार जब तुझे अंजाम पता ही था तो क्यों घुसा इसमें। मैंने कहा पता थोड़ी था, इंजीनियरिंग करते हुए थोड़ी पता होता कि नौकरी नहीं लगेगी। सही है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एक नौकरी है और मैं कई वक्त से बेरोजगार था सर, तो मुझे जॉब चाहिए थी। तो मैंने पूरा रिज्यूमे बनाया, बॉयफ्रेंड के लिए अप्लाई किया कि उसमें लिखा कि स्किल सेट क्या है तुम्हारा। तो मैंने स्किल सेट में लिखा कि मैं ये याद कर सकता हूँ कि तुम्हारी छोटी वाली चाची की छोटी बेटी की शादी में तुमने क्या पहना। मैं ये भी याद कर सकता हूँ कि उस दिन जब तुम स्कूटी चला रही थी और ऊपर से कबूतर ने तुम्हें प्रसाद दिया तो तुम्हारा हेयर क्लीनिंग का बिल 1732 आया। मैंने रिज्यूमे में अपनी स्ट्रेंथ पे लिखा हुआ था कि मैं सॉरी बोल सकता हूँ। अच्छा। मेरी सॉरी बोलने की इतनी आदत हो गई थी सर, मैं आधार कार्ड बनवाने गया, वहां पर उन्होंने पूछा पिताजी का नाम, मैंने कहा सॉरी। अब आधार कार्ड पे मेरे पिता का नाम सॉरी सूद लिखा हुआ है। तो मैंने उस दौर में एक शेर लिखा कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, और मैं मर्जी से बना पागल, बना बेदिल, बना शायर, मोहब्बत के सिवा कुछ भी बिना मर्जी नहीं करता। तो ऐसे ना मैं उसकी दिन भर चैट खोल के पढ़ता रहता था, देखता रहता था कि कितने लाल दिल भेजे, कितने पिंक फूल भेजे। मैं उसकी डीपी देखता रहता था। मैंने एक बार उसकी डीपी इतनी देर तक देखी कि व्हाट्सएप वालों ने घूंघट डाल दिया। हाँ, वो कह रहे भाई तू नहीं रुकेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। और मैंने ऐसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ऐसे संदीप चहेश्वरी की वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, दिन रात मोटिवेट हो रहा हूँ, वो कह रहे यू आर अनस्टॉपेबल, मैं कह रहा हूँ यस आई एम अनस्टॉपेबल, जबकि पापा 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, फिर भी बोल रहा हूँ यस आई एम अनस्टॉपेबल। और आप ऐसे मानो कि ना जैसे मान लो ये मूव ऑन करने की लाइन है और मैं ना ऐसे एक टांग उठाकर खड़ा हूँ, मैं पार करने ही वाला होता था कि उसका उधर से मैसेज आ जाता था हे। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता वो खाली भी नहीं करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता वो खाली भी नहीं करता, और मोहब्बत नाम का टीचर किताबे गम पढ़ाता है। वाह। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे ब्रेकअप के बाद ना हमें दर्द की पहचान हो जाती है।
है ना, हम ऐसे दर्द के एसीपी प्रद्युमन बन जाते हैं। हाँ कुछ कुछ तो गड़बड़ है ना, हम पहचान लेते होते हैं। ऐसी ना आशिक लोगों को एक दूसरे के दर्द की पहचान हो जाती है कि ये इसलिए पी रहा है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड की शादी होगी, ये इसलिए पी रहा है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे ब्लॉक कर दिया, और ये इसलिए पी रहा है क्योंकि ये दोनों फ्री में पिला रहे हैं। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि मोहब्बत नाम का टीचर किताबे गम पढ़ाता है, जुनूनी साल भर में एक दिन छुट्टी नहीं करता। वाह वाह वाह, कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता। क्या बात। एक तो सर ये होता है ना कि ब्रेकअप के बाद ना लड़के रो भी नहीं पाते मेल ईगो में, क्योंकि जब दोस्त का ब्रेकअप हुआ था तब आप पूरा ज्ञान दे रहे थे। अरे कि रोने से क्या ही होगा, एक बस जाती है दूसरी आती है, कि ग्रो अपना बड़ी, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो अब आप उसके आगे रो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसके आगे रोए तो पहले तो वो हंसेगा फिर मारेगा अलग। मेरे से एक बंदे ने आके पर्सनली पूछा, कह रहा भैया ये कौन सी वेव है, मैंने कहा ये ब्रेकअप की वेव है। और मैंने कहा इससे बच के रहना, इसका क्वारंटाइन 6 महीने का है। क्या बात है, इसमें हॉस्पिटल का नहीं शराब का बिल बढ़ता है। कि रहा है फौज में आशिक, वहीं की आदतें हैं ये, कि मोहब्बत नाम का टीचर किताबे गम पढ़ाता है, जुनूनी साल भर में एक दिन छुट्टी नहीं करता, और रहा है फौज में आशिक, वहीं की आदतें हैं ये, बहे है खून फिर भी जख्म पर पट्टी नहीं करता। कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता। गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। वापस आपको स्टैंडिंग ओवेशन। वेल डन। सो मच रजत, तुमने मजबूर कर दिया कि हम दोबारा खड़े हों। थैंक यू सो मच। यू आर फैंटास्टिक, वी आर रियली प्राउड टू हैव यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.